हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइल्ड लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि आज का हमारा पोयम का नेम है एंटरप्राइज, जिसको लिखा है निसिम इज़ेकिल ने। सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस पोयम को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है, इसका नेम जो लिखा है यहाँ पे एंटरप्राइज, उसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। सो एंटरप्राइज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की जब नई शुरुआत होती है तो हम उसको एंटरप्राइज कहते हैं। इसका जो पोएट है उनका नाम है निसिम इज़ेकिल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो टॉपिक लिखा है उसको देखते हैं। सो एंटरप्राइज वॉज रिटन बाय इंडियन पोएट निसिम इज़ेकिल एंड पब्लिश्ड इन हिज 1960 कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन। द पोएम फॉलोड अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अ पिलग्रिमेज हुज लॉन्ग ट्रैक बिगिंस विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पज बट एंड्स इन डिवेस्टेशन एंड डिसइल्यूशनमेंट। द पिलग्रिम्स हु कम अक्रॉस एज आइडियलिस्टिक yet somewhat naive and ill-prepared, yet so beaten down by their journey that once they reach their destination, they don't even remember why they are there. The poem has been read as an allegory for a number of things, like including the journey of life itself, India's emergence from the grip of colonial rule and the flows of organized religion. Above all, it speaks to the way that idealism can falter in the face of reality, the diverse nature of pride and the value of focusing on the journey rather than the destination. सबसे पहले बोले जो enterprise जो poem है उसको जो है written किया है हमारे Indian poet ने, जिनका name निसिम इज़ेकिल है। ये जो है published हुआ था 1960 में, जो collection है उनका unfinished man, उस वाले collection में इनका ये जो poem है उसका जो है publishment हुआ था। ये जो poem है ये follow क्या करता है, group of people को, यानी कि एक people का समूह है इस poem के अंदर जो कि जा रहा है एक ट्रैक पे। किस ट्रैक पे? पिलग्रिमेज के ट्रैक पे, जो कि पिलग्रिमेज का सबसे पहले मतलब समझेंगे तीर्थ यात्रा होता है। तो उस ट्रैक पे लोग जा रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ कुछ पर्पज़ को फोकस करने के लिए, रास्ते पे जो जो चीज़ें होंगी उस सब चीज़ों को देखने के लिए। बट इस जर्नी में कुछ ऐसा डिस्कशन हो जाता है जिससे एवरीथिंग जो है वो तहस नहस सा हो जाता है, और लास्ट में वो जो ग्रुप है वो टूटने की कगार पे आ जाती है, और वो सब जो है वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। और एट द एंड क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ आए ही क्यों। तो एक तरीके का हैप्पीनेस जो है उस ग्रुप के अंदर बचता ही नहीं है, एक उद्देश्य ही नहीं वो समझ पाते हैं कि हम यहाँ पे आए क्यों। ठीक है, इस तरीके से ये शॉर्ट समरी टाइप की मैंने आपको शुरू होने से पहले ही बता दिया पोएम, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि नीचे आपके फर्स्ट पैसेज में लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि द जर्नी बिगिंस एज अ काइंड रिलीजियस ट्रैक टू अ होली प्लेस। तो एक रिलीजियस ट्रैक है, यानी कि जहां जहां पे धर्म स्थल होते हैं वहां वहां जा रहे हैं। वन डेट लिफ्टेड पीपल स्पिरिट एंड मेड देयर प्रॉब्लम सीम्स अनसफिशियंट। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी लेड टू सम क्वेश्चन बट डिड नॉट टेस्ट द ग्रुप्स रिजॉल्व। द सन शॉन डाउन ऑन द पिलग्रिम्स। क्या बोला है कि पहली जर्नी तो इंसान की तब होती है जब वो छोटा बच्चा होता है, तो उस टाइम जो है वो चाइल्डिश एज होता है, तो एवरीथिंग जो है वो हैप्पी बीतता है। उसी की तरह ये जर्नी भी जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ये लोग बिल्कुल फुल स्पिरिट के साथ जो है वो मतलब चलते हैं इस जर्नी में, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है वो सबके माइंड में आते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को फोकस होकर पढ़ते हैं या फोकस होकर कोई काम करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, कुछ समय बाद जब हम पढ़ते हैं चाहे वो कोई हमारी कहानी ही क्यों ना हो, क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन आने इस जर्नी के बीच में शुरू होने लगे, लेकिन फिर उन्होंने उस क्वेश्चन को इग्नोर किया, सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे के साथ बहसबाजी करना नहीं शुरू किया। और मतलब क्या बोला है कि जो सन का शाइन है वो भी उनको नहीं रोक पा रहा था, यानी जो सन बोलते हैं यहाँ पे सन को किस बात पे यूज किया है कि नेचर ऑफ हार्शनेस है सन, यानी कि यहाँ पे सन उनको भी नहीं रोक सकता, सन की रोशनी भी उनको नहीं रोक सकती, इस तरीके से बयां किया गया है। एज इफ इन ऑनर ऑफ द फेरी, मतलब इतना ज्यादा वो स्पिरिट में है कि अब तो वो सन की रोशनी से भी नहीं रुकने वाले। अब यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे जो कि स्टेंजा है वैसे तो पोएम का। द स्पीकर थॉट द ग्रुप वॉज डूइंग वेल मेकिंग। देखिए ये फुल एक्सप्लेनेशन है, जब एग्जाम में आपको इसी तरीके से आपको लिखना है यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स। द स्पीकर थॉट द ग्रुप वॉज डूइंग वेल मेकिंग लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेकिंग लॉट्स ऑफ नोट्स अलॉन्ग एंड द वे अबाउट थिंग्स सच एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीजेंट्स स्नेक्स एंड गॉड्स बिहेवियर एंड थ्री सिटीज वर वेयर अ वाइज पर्सन वंस टॉट। But when people started to argue over how to cross a particular area of a desert, one pilgrim whose writing sounded better than anyone else decided to leave the group.
अ ग्रोइंग शैडो लूम्ड ओवर देम ऑल. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पीकर सोचता है कि हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है. बहुत कुछ लोग जो है वो जो ग्रुप के अंदर जितने भी पीपल्स होते हैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करते चलते हैं, यानी कि वो सिटीज़ में जा रहे हैं तो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने अपना एक नोट बना रहे हैं जिसमें वो चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या हो, जैसे फार्मर कैसे वर्क कर रहे हैं, या स्नेक अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है, या गोट अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है, उनका बिहेवियर क्या रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ऑब्जर्व करते जा रहे हैं. बट व्हेन पीपल स्टार्टेड, लेकिन जैसे ही कुछ बातों पे आर्गुमेंट शुरू होती है, बहसबाजी शुरू होती है कि कैसे ये करना है, कैसे वहां जाना है, तो इस टाइम जो है जो सबसे एक बोलते हैं ना कि एक टीम में एक बेस्ट प्लेयर होता है, तो वैसे इस ग्रुप का जो एक बेस्ट पर्सन था उसने डिसाइड किया कि मुझे अब ये ग्रुप छोड़ना है. कि तो मतलब उसको बन नहीं रही थी, उन सबके क्वेश्चंस के साथ वो मैच नहीं कर पा रहा था अपना आंसर को, यानी कि हर किसी का माइंड में अपना अपना आंसर का सुझाव का अलग जरिया होता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो इस ग्रुप को छोड़ देगा और वो छोड़कर वहां से चला गया. अब है मतलब ग्रुप जो है एक तरीके से एक बंदे के जाने से बिखर चुका है, लेकिन अभी भी ग्रुप हैं, काफ़ी लोग हैं उस ग्रुप में, लेकिन जो मेन बोलते हैं प्लेयर वो अब वहाँ से चला गया जो वहाँ का बेस्ट प्रोज जो है वो लिखता था. अब है ड्यूरिंग अनदर पार्ट ऑफ द जर्नी, अब आगे की जर्नी में क्या होता है, द ग्रुप वॉज अटैक्ड ट्वाइस, फिर से ग्रुप अटैक्ड होता है, यानी कि अटैक का मतलब ये नहीं कि मारापीटी शुरू हो जाती है, यानी कि क्वेश्चन के आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और फिर से एक दूसरे के अंदर जो है बहसबाजी शुरू हो जाती है, एंड गोट लॉस्ट, और फिर से ऐसा लगता है कि अब जो है वो ग्रुप जो है वो लॉस्ट हो जाएगा. Some people declared themselves free from the group and left. काफी लोगों ने क्या डिक्लेयर किया कि हम जो है अब इस ग्रुप से हटना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं और इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं. The speaker attempted to pray and the group's leader said he could smell the senior man. तो जो स्पीकर होता है वो प्रे करता है गॉड से कि ऐसा ना हो, और जो हमारा जो गैंग का लीडर होता है उस ग्रुप का, वो कहता है कि मैं जो है सक्षम हूँ सूंघने में स्मेल किसकी, सी की. अब सी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लक्ष्य की, जहां पे वो जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं अब स्मेल कर सकता हूं, हम अपने लक्ष्य के काफी करीब आ चुके हैं, तो अब इतना जल्दी ग्रुप को तोड़ने कोई फायदा नहीं है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं. They stopped noticing anything around them. फिर धीरे धीरे जैसे स्पिरिट से वो चलना शुरू करते हैं, वो स्पिरिट उनमें ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब वो कुछ चीज़ आसपास जो भी है उनके जर्नी के उस चीज़ सबको वो नोटिस नहीं कर रहे हैं. They were a slow moving group without much hope. वो धीरे धीरे चल रहे हैं. स्लो मूविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऐसे क्राउड जो ऐसे तैसे चलती रहती है ना रस्ते पे, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता वो क्यों चल रही है, होपलेस होकर चल रही है. नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू बैड ऑमन्स, अब जो थंडर्स वगैरह किसी चीज़ पर वो अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं ऑमन्स पे, ठीक है. अब है दे, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. दे लैक द बेसिस नेसेसरी ऑफ लाइफ, यानी कि वो चीज़ें मतलब खो रहे हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना लाइफ की, जो ज़रूरतें होती है, जैसे सोप. अब यहाँ पे सोप से बयां हो रहा है कि यहाँ पे उसकी बाथिंग की बात हो रही है, नहाने की, यानी कि वो नहा नहीं रहे हैं. बेसिक नीड्स को भी जो है वो धीरे धीरे उनसे छिनता जा रहा है. सम मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप वर टोटली डिस्ट्रॉयड, काफ़ी मेम्बर्स थे ग्रुप के जो एक तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो चुके थे, ख़त्म ही हो चुके थे एक्सपीरियंस लेकर, और कुछ लोग जो थे वो प्रोसेस में थे कि वो कभी भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. वैन दे फाइनली made it their destination, यानी कि जब वो अपने destination पे finally पहुंच जाते हैं, they barely even knew why they did came. तो बोला है कि वो फिर ऐसा notice करते हैं कि वो यहाँ पे आए क्यों हैं. पहले जब वो निकलते हैं तब तो वो सोचते हैं बहुत कुछ experience करेंगे, बोलते हैं ना एक जज्बे के साथ निकलते हैं, अरे हम तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बट जब वो वहाँ फाइनली पहुंच जाते हैं देन वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे आए ही क्यों, हमारा लक्ष्य क्या है आने का. द जर्नी हैड मेड देयर फेसेस डार्क एंड सैड, तो ये जर्नी जो है, ये जो चलने का रास्ता है, यानी ये जो पूरा यात्रा था, उन्होंने उनके फेस को जो है वो उदासी में बना दिया, डार्क हो गए वो. एंड दे रियलाइज दैट नथिंग डिड डन, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ स्पेशल किया ही नहीं और मीनिंगफुल, ऐसा ये चीज़ जो मतलब हमने किया है इस लक्ष्य पे आने के, अपने डेस्टिनेशन पे आना, तो हम कौन सा फर्स्ट मूवर हैं, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कर लिया है, तो हमारे ये चीज़ करने का क्या फ़ायदा है. ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ हमने फर्स्ट टाइम किया है जो हमारा हिस्ट्री में नाम आएगा या ऐसा कुछ, तो हमारे यहाँ आने का कोई लक्ष्य नहीं बन रहा है. दे मस्ट कलेक्ट देयर ग्रेस एट होम, इससे बढ़िया तो हम घर में रहते तो शायद हम लोग ये सोचते कि चलो हमने रेस्ट किया, हमने जो है वो बहुत देर तक अपना समय जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, तो कुछ तो हमें ऐसा अंदर मन मन में सेटिस्फैक्शन लगता है, लेकिन ये हमारे यहाँ आने का मीनिंगलेस लग रहा है. सो इसी के साथ ये जो हमारी पोएम का जो यहाँ तक कंप्लीट होता है. अब अगर हम इस थीम की बात करें तो इस पोएम की थीम क्या है, द थीम ऑफ द पोएम सीम्स टू रिजॉल्व अराउंड द हार्डशिप एंड डिसइल्यूजनमेंट इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग अ जर्नी, एम्फसाइजिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इनिशियल आइडलिज्म एंड द
eventual reality of pilgrimage. It portrays the loss of idealism, the challenges faced, the conflicts within the group, and the eventual realization and the true fulfillment comes from within, from a sense of home and the inner grace. तो यह क्या बोला है कि जो इस poem का theme क्या है, इस poem का theme यही था कि एक दूसरे में रिवॉल्व होकर पहले तो उन्होंने चलना शुरू किया था और फिर बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट हुए, बहुत सारी बहसबाजी हुई, उस यात्रा की एक रियलिटी दिखी कि कैसे जो एक जर्नी कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फिर चैलेंजेस काफ़ी सारे उनको फेस करने पड़े, लेकिन एट द एंड में वही हो जाता है कि उनको ऐसा लगा कि शायद इससे अच्छा हम घर पे रहते तो बेटर था, हमारे यहाँ आना जो है वो एक मीनिंगलेस है, मतलब कोई होप उनको ऐसा लगा नहीं कि हाँ ने कुछ फ़ायदा है. तो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है. आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. बोथ आईडीज़ आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.